हाँ तो दोस्तों, आज हम बताने चाह रहे हैं शोल्डर वर्कआउट। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो भाई ये है, अगर तुम्हारा शोल्डर रहेगा नहीं तो बॉडी बेढंग लगेगा, चेस्ट लगेगा ऐसे और बाइसेप लगेगा ऐसे, झूलर नियर, बैक भी खतरनाक नहीं लगेगा। और अगर आपका शोल्डर रहेगा खिले लगे ऐसे तो चेस्ट के साइज भी दिखेगा एक नंबर बढ़िया और बैक। हालांकि शोल्डर पे लोगों ध्यान नहीं देते, इसलिए बॉडी उनको नॉर्मल लगता है देखने में। शोल्डर जितना भी अच्छा रहेगा आपका फेंका हुआ से चौड़े में, उतना बॉडी पोजीशन अच्छी लगेगी ना, बिल्कुल अच्छे से अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहले आपको करना क्या, दो ईंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर दो पत्थर, या तो दो ईंट या तो दो पानी बोतल। चलिए हम लोग पत्थर उठाते, दो पत्थर ऐसे उठा लेना, आपको ध्यान से देखना और सीधा खड़ा होना एकदम सीधा, ठीक है। और दोनों हाथ से बटरफ्लाई मारते चाहिए उस तरह, शोल्डर में मारना सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस वाली वर्कआउट से आपकी ये जो मसल्स है यहाँ ऐसे यहाँ रेड होगी, और यहाँ मसल्स फटेगी तभी रिकवर होगा, तो फूलेगी और एकदम लगेगी शोल्डर देखने चौड़ी। और नेक्स्ट वर्कआउट है, सॉरी, इस वाली वर्कआउट आपको लगाना है 4 सेट, और हर सेट में होना चाहिए 12 और उससे ज़्यादा जितना भी लगा सकते हैं, 15, 20, 50। चलिए नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं दूसरा, फिर से दो पत्थर, दो ईंट और ऐसे सीधा सीधा कर लेना ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ध्यान रहे जब आपका हाथ उठेगी ईंट से तो ऐसे इतने से ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, आप ऐसे नहीं करना है आपको, इतना ही, ठीक है। इस वाली से फिर यहाँ पे फटेगी मांस और रिकवर होगी, लगेगी देखने में ऐसे एकदम तगड़ी वाली शोल्डर। ये भी लगाना आपको 12 इस हाथ से, 12 इस हाथ से, यानी 12 लेफ्ट 12 राइट, यानी 24। तो आपको 24 लगाना है और 24 करके 4 सेट लगाना है, बाकी ज़्यादा आप जितना कर सकते हो। और नेक्स्ट वर्कआउट है, वो भी दो ईंट ही लेना है, सीधा रखना है ऐसे ऐसे सीधा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये भी लगाना 4 सेट और हर सेट में होना चाहिए 12, बाकी आप जितना मार सकते हो ज़्यादा। और इस वाली सेट से भी आपकी यहाँ पे जो ऐसे करने से, आपको दोनों एक हाथ करने से काफ़ी मांस में दरार आएगी, अंदर से लगेगी बॉडी फट जाएगी, फट के बाहर आ जाएगी, बट वो बॉडी फटेगी नहीं, अंदर जब दर्द होता है, पेन होता है, तभी मांस बढ़ता है, इतना से इतना फूलता है अंदर से और रेड होता है, रेड 3D में देखना आपको, रेड होगा और मांस फटेगा, वही फूलेगा, उसके बाद आपको देखने लगेगा शोल्डर एक अच्छी, उसके नीचे आपको पैसे भी खिलेगा आपका अच्छा टर्म बढ़िया से। तो चौथी वर्कआउट है आपको फिर से वही दो ईंट और सीधा ऐसे बैठ जाना है, या तो खड़ा होकर भी आप कर सकते हो, बट बैठने ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा कर लेना ऐसे सीधा, और ये ऐसे लाना सीधा ऐसे, 1 लाख आप ऐसे घुरा भी सकते हो, ठीक है, बट हम सीधे कर लेते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एकदम स्लो में करना, स्लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस वाली सेट आपको हर सेट में कम से कम 20 करना, बस हम ऐसे ही किए थे 12 आपको दिखाने के लिए, आपको हर सेट में करना है 12 और हर एक सेट में करना है 12
और होना चाहिए 4 सेट, बाकी ज़्यादा भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक नॉर्मल पुशअप लगाना है। पुशअप नॉर्मल में किस टाइप को देखना, ध्यान से ऐसे होना चाहिए, हाथ ऐसे सीधा नहीं, सुधर नॉर्मल पुशअप नहीं, हाथ ऐसे होना चाहिए, ध्यान दो हाथ को, और इसे लगाना चाहिए पुशअप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नॉर्मल पुशअप से लगाना है ऐसे करके, और आपको एकदम स्लो स्लो करना है। और नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि पुशअप आपको वर्कआउट से पहले भी लगाना है, 3-3 करके हर सेट में 12 होना चाहिए, ज़्यादा आप जितना लगा सकते हो। और वर्कआउट करने को लास्ट टाइम भी करना है। और वर्कआउट करने से पहले आपको 5 मिनट आपको पहले स्ट्रेचिंग कर लेना बॉडी के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा शोल्डर फ्री करने के लिए आप ऐसा वर्कआउट कर सकते हो। 2 मिनट कम से कम कीजिए आप, और 2 मिनट ये, इससे आपकी बॉडी काफ़ी फ्री होगी। और तीसरी ये जंपिंग करके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बैक के ऊपर। तो फाइनली गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं बैक वर्कआउट। एकदम फाड़ कर रख देना आपको बैक, एकदम तगड़ी से तगड़ी बैक, जो कि कुछ सीक्रेट्स है, आपको तुरंत बॉडी बन जाएगी आपकी बैक, एकदम खतरनाक कोबरा जैसी निकलेगी, ऐसे कोबरा जैसी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको 2 ईंट की जरूरत पड़ेगा, या तो फिर 2 पानी बोतल या फिर पत्थर, 2 ईंट ले लेना आपको, और सीधा ऐसे करना है, और आपको बैक ऐसे सीधा झुक जाना सीधा ऐसे, और ये ऐसे पहली वर्कआउट सीधा ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस वर्कआउट करने से आपको ये जो बैक है इसमें काफ़ी कट आएगी और बैक चौड़ा होगी। तो हर सेट में कम से कम 12 लगाना, कम से कम 12, उससे ज़्यादा आप जितना लगा सकते हैं, 15, 20, 30, 40, 50, और 4 सेट करना आपको, 4 सेट। और सेट दूसरा फिर से 2 ईंट लेना है, और ऐसा झुक जाना सीधा, एकदम सीधा झुक जाना स्टेप, और ये पत्थर सामने करना ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस वर्कआउट करने से भी आपको बैक जो ऐसे ऐसे रहेगी, तो ऐसे ऐसे खिलेगी, और आपकी बॉडी एकदम कोबरा जैसे निकलेगी ऐसे। तो आपको इस वर्कआउट भी करना है, हर सेट में 12 होना चाहिए, और ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हो, और इसका भी लगाना है 4 सेट। और नेक्स्ट वर्कआउट है तीसरा, जो कि आपको नॉर्मल पुशअप लगाना, नॉर्मल और नॉर्मल किस तरह 2 ईंट रख लेना, और जब चौड़ा ऐसे 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 चौड़ा करना, सीधा मन नहीं मारना आपको, सीधा नहीं चौड़ा करना, और शोल्डर से आपको काफ़ी दूर होने चाहिए, शोल्डर अगर आपका यहाँ रहा तो पत्थर आपको यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और स्टेप ऐसे हो जाना सीधा, और ऐसे 1, 2, 3, 4, आप मेरा बैक देख सकते हो, बैक दिखाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वो दोनों वर्कआउट करने के बाद आप नॉर्मल जब पुशअप लगाओगे तो आपको बैक लगेगी अंदर से फट गई है, मांस अंदर से फट के बाहर आने वाली है, बट ऐसा होगा नहीं, वो आपको लगेगी। उसके बाद भी आपको वर्कआउट करना, और पुशअप भी आपको लगाना 4 सेट, और हर सेट में क्या होगा कितना, 12। और तीसरा तो होगा नॉर्मल पुशअप, अब चौथा सेट में आपको क्या करना, थोड़ा देर के लिए 1-2 मिनट के लिए आपको पोजिंग कर लेना पहले, उससे क्या होगा आपका जो बैक बॉडी है वो थोड़ा खिलेगा। तो सबसे पहले पोजिंग चलो करते हैं हम लोग, पोजिंग करने से आपका सबसे पहले तो फायदा आपको ये है,
दुश्मनों की गांड जलेगी और आपका देखने का लुक भी बढ़िया लगेगी। और एक फायदा आपको आ रहा है कि आपको बैग जो करते करते लॉक हो जाता है, ये खुलता है, जैसे बाइसेप में वर्कआउट करते लॉक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जो खुलते हैं ना, उसी टाइप आपको बैग में लॉक खुलेगा। और चौथी वर्कआउट है आपका ध्यान देना, फिर से दो रिट चाहिए और ऐसे कर लेना, ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर लेना सीधा, यहाँ पे ऐसे झुक के और यहाँ यहाँ लाना ऐसे सीधा, 1 2 3 4 बैक दिखाओ, बैक दिखाओ, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे करने से आपकी बैक जो है कोबरा वाली मान से ऐसे निकलेगी। तो ध्यान दे और इन 4 से 5 वर्कआउट में आपकी घर पे एक अच्छी कोबरा वाली बैग निकल के रेडी हो जाएगी। एकदम रास्ते में चलोगे तो देखने में लगेगा एक नंबर हरामी टाइप का लोंडे, क्योंकि आपकी बैग जो है खिला रहेगी और चेस्ट ऐसे डायमंड शेप में और बाइसेप ट्रिसेप भीड़ में सबसे हट कर दिखोगे, 100 में से एक नंबर अलग से देखने में लगेगा आ रहा कोई बॉडी बिल्डर देसी अपने स्टाइल में। तो मिलते हैं फिर की भी नेक्स्ट वीडियो होम चेस्ट वर्कआउट पे। तो फाइनली गाइस, एक नॉर्मल से नॉर्मल लड़का एक अच्छी चेस्ट वर्कआउट बना सकती है, मेरी तरह दमदार चेस्ट वर्कआउट कर सकते हो आप। तो चलिए कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं हम और कुछ टिप्स जो कि आपकी जल्दी से जल्दी बॉडी बन सकती है, एक अच्छी से अच्छी बॉडी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहला सेट आपको नॉर्मल पुशअप लगाना है चेस्ट के लिए। नॉर्मल पुशअप तो सबको आता ही है, एकदम सोलो में बॉडी पूरा स्ट्रेट रखना सीधा और नॉर्मल धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको नॉर्मल पुशअप लगाना है 3 सेट करके, हर सेट में 12 होना चाहिए और आप जितने जितना ज़्यादा लगा सकते हो। और नेक्स्ट पुशअप है आपको डायमंड पुशअप लगाना है, इससे आपकी शोल्डर सॉरी ट्राइसेप और चेस्ट दोनों पे असर करेगी। ये भी आपको 3 सेट लगाना है 12-12 करके और आप जितना से ज़्यादा लगा सकते हो उतनी अच्छी फायदे करेगी। डायमंड आराम से करना और पूरा स्लो स्लो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और तीसरी आपको 2 ईंटों की ले सकते हो या तो फिर पानी बोतल या तो कोई पत्थर वगैरह आप सीधा ले लेना है और कहीं भी आप लेट जाना है। ये आंड्रोड की सबसे फेवरेट वर्कआउट है आपकी सीधा चौड़े करने में, नंबर 1 सीधा करना और बटरफ्लाई जैसे करना, सीधा ऐसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फाइनली गाइस, इस वर्कआउट करने से आपको ये चेस्ट है पूरा तरह से अंदर से पेन होगा और पूरा अच्छी पंप होगा। और नेक्स्ट वर्कआउट है वो कोई ऊंची जगह पे देखना है, थोड़ी सी ऊंची जगह जहाँ की कोई भी ऊंची जगह पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई ऊंची जगह, तो ऐसे वर्कआउट करना सीधा, पत्थर ले लेना सामने से और ये सीधा रख लेना और ऐसे चौड़ा सीधा, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो इस वाली भी वर्कआउट करना है आपको, और दो वर्कआउट और है जो कि आपकी कोई डाउन जगह पर रहना है, पैर से ऊंचा करके और डाउन जगह पर पुशअप लगाना है, जैसे कि आपका अपर चेस्ट मजबूत होगा और लोअर के लिए आपको दोनों एक जगह से ऊंचा से और एक नीचे जगह से, तो दोनों जगह से आपको पुशअप लगाना है और एक महीने आप कीजिए, एक महीने में एक अच्छी से अच्छी बॉडी बन जाएगी। और डाइट में आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाना है और फालतू की चीज़ जितने भी चाउमीन रोल पिज्ज़ा बर्गर ये सबसे आपको दूर रहना है। बस एक महीने के अंदर आपको एक अच्छी सीना बन के तैयार हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सिक्स पैक एप्स के ऊपर।